हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो सबसे पहले थैंक यू आप सभी को, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया जिससे हमारा चैनल काफी ग्रो कर रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है हमारा चैनल। बहुत मजा आ रही है और सब कुछ पॉसिबल हो पाया आप लोग के सपोर्ट के कारण। आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, ऐसे ही बने रहो, आगे तक बने रहो। अभी तो बहुत लंबा जाना है, बहुत है ना, अपनी फैमिली बड़ी होते जा रही है। बिल्कुल। और जो अभी तक हमारी फैमिली में जुड़े नहीं है, जो हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। तो काफी दिन से हम लोग कहीं गए भी नहीं थे, है ना। गर्मी बहुत पड़ रही है यार, 43 प्लस चल रहा है टेम्परेचर, तो पागल हुए जा रहे हैं। ये देखो पसीना, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो शाम को हम लोग निकले हैं, आज थोड़ा मन कर रहा था चलो कहीं घूम फिर के आते हैं, तो आज चलते हैं कहीं कुछ खा पी के आते हैं, है ना। कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, वही सोचा है कुछ ठंडा पीते भी हैं, आपको दिखाते भी हैं कि हमारे शहर की खासियत क्या है। तो गर्मियों में अगर आप जबलपुर आ रहे हो और ये वीडियो आप देख रहे हो, तो इन जगहों पे जरूर जाना और आई होप आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगी। और आखिरी तक बने रहो इस वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है वीडियो। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बिना शेयर किए बिल्कुल मत जाना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बुला लूँ सबको। अरे हाँ हाँ, आओ यार कमेंट सेक्शन में आओ, अपन बढ़िया वहाँ बातें करेंगे, कुछ आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करो, है ना, आपको सजेशन दो, हम लोग को भी थोड़ा सा आइडिया आए कि आप क्या चाहते हो, कैसा आप लोग को मतलब क्या देखना चाहते हो। ठीक है, और आपसे वादा तो है ही, जैसे ही मतलब जैसे ही गर्मी खत्म होने वाली है, मैं नहीं रुकने वाला हूँ, भाई भी नहीं रुकने वाला है, हम लोग बाहर निकलेंगे। हाँ। और सिर्फ जबलपुर का नहीं कवर करने वाले, और एक जहां जहां भी हम लोग जा सकते हैं। हाँ, जहां जहां हम लोग जा सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ब्लॉग चैनल नहीं है, हम लोग कुछ और भी डिसाइड कर रहे हैं, प्लान चल रहा है, तो एकदम से आएगा, लेकिन ये है कि आप लोग को पसंद जरूर आएगा, बोर नहीं होगे आप लोग। तो वीडियो में बने रहो, चलो जल्दी से चलते हैं, आप प्यास लग रही है, कुछ ठंडा पीते हैं। चाहते हो तो एक तो जो सबसे ज़्यादा फेमस जगह है, इच्छाधारी लस्सी सेंटर, सबसे पुराना शहर का, और इस शहर का यानी जबलपुर का सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मतलब टेस्टी लस्सी यहाँ पे ही मिलती है। काफ़ी सेंटर देखोगे, देखो पीछे थी वहाँ पहले, और भी बहुत सारी जगह हैं, पर लोग की पहली पसंद इच्छाधारी लस्सी सेंटर है। देखो कितनी बैंक, ये देखो कभी कभी रोड ब्लॉक भी हो जाती है, और आए दिन पेपर में आता रहता है पार्किंग को लेकर इशू। तो हम लोग आ जाए ये लस्सी पीने, और यहाँ पे सारी मतलब शुगर फ्री लस्सी भी मिलती है, नॉर्मल लस्सी मिलती है, हर वाली सब, और यहाँ सिर्फ लस्सी नहीं मिलती, हर टाइप के शेक्स मिल जाएंगे आपको, फालूदा वगैरह, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरे को लस्सी पीनी थी तो मैं लस्सी पीने आ गया, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे कमानिया साइड, कमानिया गेट, भाई को कुछ खाना पीना वहाँ पे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना, मज़ा आने वाली है। ये रही लस्सी, 25 रुपये गिलास आता है, ये नॉर्मल है, और शुगर फ्री लस्सी आई थिंक 30 रुपये की है। और इच्छाधारी लस्सी सेंटर का एड्रेस बता दूं मैं, ये तीन पत्ती चौक कहलाता है हमारे शहर में, पुराना बस स्टैंड के पास, ये यहाँ पहले वहाँ पे तीन पत्ती बनी, हाँ वो उसको नगर निगम वालों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया, और इस तरफ जाओगे तो मालवी चौक पड़ेगा, तीन पत्ती एरिया में इच्छाधारी लस्सी सेंटर वर्ल्ड फेमस है हमारे जबलपुर में। तो अगर आप बाहर से हमारे जबलपुर गर्मियों के टाइम पे आ रहे हो, घूम रहे हो, और शाम टाइम में कुछ अच्छा खाना चाहते हो, टेस्ट लेना चाहते हो, तो इच्छाधारी लस्सी सेंटर आना बिल्कुल मत भूलना, मज़ा आ रही है पीने में। ये देखो बने रहो, ये आ गया बड़ा फुहारा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ, गांधी जी आए थे जबलपुर,
जब इलेक्शंस का टाइम चल रहा था, पटाभी सीतारामैया 1939 1940s में, तब ये बिल्डिंग बनी थी। सामने देख रही है कमानिया गेट, रिपेयरिंग चल रही है। कांग्रेस सेशन हुआ था तब महात्मा गांधी जबलपुर आए थे, तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पुराना भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ भी जाता है। वॉच लगी है यहाँ पे, टाइम पे लगी है पे। कमानिया गेट वो लिखा भी है, त्रिपुरी कांग्रेस सेशन। और बस हम लोग आ ही गए हैं, ये पहुँच गए। तो सिद्धार्थ को वहाँ पे लस्सी अच्छी लगती है, उसे लस्सी भी वहाँ पे, और मैं अब यहाँ पे आया हूँ कमानिया। बहुत ही फेमस दुकान है, बहुत ही पुरानी दुकान है। वो देखो वो पीछे देख रही है, मैं यहाँ पे दूध पी हूँ, स्पेशल बहुत टेस्टी मिलता है, बहुत सुना है। बहुत ही टेस्टी रहता है, गर्मी में ठंडा, ठंडे में गर्म गर्म मिलता है यहाँ पे बढ़िया। किसी भी सीज़न आओ एंजॉय करने को मिलेगा। और सबसे क्राउडेड प्लेस में खड़े हैं अभी हम लोग जबलपुर की, जहाँ पे आपको कभी भी ऐसे लगेगा कि रात हो गई है, सुबह के 4 बजे भी आओगे तो भीड़ मिलेगी। दशहरा में हम लोग यहीं पर रहते हैं, और अभी तो भैया की दुकान में काफ़ी कम भीड़ है, मतलब काफ़ी रात तक यहाँ पर जो शॉप है, जितनी भी दुकान है सब खुली रहती है, 11:30 तक तो खुली रहती है। ये देखो इतनी छोटी सी गली में, ये देखो यहाँ से कार भी निकलती है, तंग गली। तो अगर जबलपुर आप आए हो, ये दो चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इसके बिना बिल्कुल मत जाना, आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे यहाँ पे भी लस्सी मिलती है, मैंगो शेक मिलता है, और क्या मिलता है भाई, बाजू की दुकान है वहाँ पे, फलाहारी खाने मिलता, फलाहारी जो डिशेज रहती है ना, ये यहाँ पे फलाहारी मंगोने, कटपट, आलू बटे, फलाहारी आलू बटे के खा रहे हैं। तो आपका उपवास है, बस खाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आ सकते हो, आते ही हैं वैसे दोस्तों, अभी भी आए हुए हैं, आ ही रहे हैं। तो दूध पी लिया मैंने, बहुत टेस्टी दूध था, 20 रुपये का फुल ग्लास आता है और 15 का हाफ आता है ना, दूध पी लिया मैंने सब मस्त। आप वापस घर जा रहे हैं, एड्रेस भी बता दिया, कमानिया गेट बड़ा फुहारा, एड्रेस भूलना नहीं, लाल खाने के आगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। हाँ और यार कमेंट सेक्शन में कभी बात बात करें बढ़िया है ना, जो भी आपके जितने भी थॉट्स हैं, हाँ सब शेयर करो बढ़िया हम लोगों से, बिल्कुल। और लाइक की मेरा बिल्कुल मत जाना, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट कर देता है यार, ठीक है। सब्सक्राइब और जितना शेयर कर सकते उतना शेयर कर दो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।